नहीं करना आपको सीजर मेमो की तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप साथ ही होंगे। नहीं मतलब आपने कहाँ शुरू करना, तो अपने नहीं नहीं हमने ज्वाइंट किया आज की जो ड्राइव चलाई है डीसी मैम को रिपोर्ट के लिए। तो गाड़ी सीज कर लेना यार, खबर बात और गाड़ी गाड़ी रो और का नाके लगाओ चेक ही नहीं करने करे हम क्यों चेक करेंगे। गाड़ी है तुमने ऑन करके इंजन गाड़ी को आग लग जाती है तो ओए या शो नहीं करना चल जा बेबी एक मिनट मार के इसको बुलाएंगे बस यहां पर जो है ओवरलोडिंग को लेकर एआरटीओ मैम खुद एआरटीओ मैम आज खुद यहां पर जो है बातचीत जाते हैं यहां पर करते हैं सर बस ड्राइवर से परमिट परमिट दो परमिट मंगना लेंगे साहब देने क्यों ले रहे चलो चल क्यादत में हमने वैसे आपको पता कि स्मार्ट सिटी के तहत हमारा एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट के साथ एक पार्किंग एरिया तैयार की है, लेकिन अभी उसमें वो पार्किंग उस लिहाज से नहीं हो पा रही है जैसा कि डिजायर्ड है। आज की जो हमारी ड्राइव रही है वो यही है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, जो ओनर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, जो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स है वो इंश्योर की जाए, उसके तहत कुछ चलानी भी हुई है, सेंसिटाइजेशन भी हुई है। आई होप कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर और जो एक तरीको कार से हमारा जो बस स्टैंड है वो चलना चाहिए वो चले। थैंक यू। टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टैंड दिए, बट देन इन द गाइस ऑफ सम पार्किंग कई लोगों ने परमिशंस ली हैं कि वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकें, उसके विपरीत जाते हुए वो लोग वहाँ से पैसेंजर भर रहे हैं। जैसा हमने दो तीन जगह देखा तो हमने उन गाड़ियों को चलान किया। दूसरा हमने बसेस का देखा जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ पे जैसे हमारा जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से गाड़ियाँ लगी, पैसेंजर इज्जत से अंदर आकर बैठ कर निकले, यहाँ पे रोड पे अनड्यू हॉल्ट ना करें गाड़ियाँ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन टू पैसेंजर को ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हीकल्स ना हो, वही सारी चीज़ों को चेक करते हुए हमने आज कार्रवाई की। तो आज चलानिंग भी हो रही है और कितने लिमिट रखी गई है कि इतनी चलानिंग हो सकती है? देखिए रूल्स के मुताबिक कुछ गाड़ियों को 10,000 भी चलान हुआ है, कुछ को 5,000 हुआ है, जैसा रूल्स का वो एआरटीओ मैडम देख रहे हैं। जी आगे भी इस तरह की चलानिंग होती रहेगी? बिल्कुल, एक सिग्निफिकेंट ड्राइव चल रही है ये और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे हो रही हैं, जिसमें उन्होंने डिवकॉम सर और डीसी मैम को डायरेक्शंस दी थी कि आप शहर में जितनी रॉन्ग पार्किंग है, जितनी आपकी मार्केट्स में एनक्रोचमेंट्स है उसके तहत एक्शन किया जाए। तो उसी के मुताबिक एक टीम बनी है जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहेगी और शाम को कंप्लाइंस रिपोर्ट देगी। यहाँ पे देखा गया कई दुकानों में यहाँ पे पार्किंग यार्ड जो बनाए गए हैं, जैसे अभी ये खुल रहा तो आगे बस इसमें लगी है, तो इनके खिलाफ ही कुछ कार्रवाई बनेगी? देखिए हम मौका सबको देंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस करें, क्योंकि कई बार इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर इनके पास लीगल परमिशंस हैं तो हम एक्शन नहीं करेंगे, और अगर हमें लगा
कि ये कहीं शहर में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको कंटेस्ट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जहां से इनके पास ऑर्डर्स होंगे, बट जो लीगल होगा हम उतना ही करेंगे।